ये वाला प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है। सो उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हम उसकी बेसिस के ऊपर हम जो है हम व्हाट वी डू इज दैट वी डेवलप अ काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो। ठीक है, हम पोर्टफोलियो डेवलप करते थे। एक पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, वो उन प्रोजेक्ट्स को देख रहा होता है बिकॉज देयर आर स्ट्रेटेजिक इन नेचर। ठीक है, सो इट कैन बी प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, इट डजंट नीड टू बी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। इट देयर कुड बी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, बट देयर आर वो एक पोर्टफोलियो मैनेजर एक सीनियर लेवल का बंदा होता है। ही इज हायर देन अ प्रोग्राम मैनेजर, और प्रोग्राम मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर से हायर होता है, एंड ही इज द वन जो के आपको देख रहा होता है, एंड उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सर्ट है। तो दैट्स द रीजन दैट दे आर इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे आर मैनेजिंग इट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इट। ये क्या होगा जो मैंने रेड लाइन ऊपर हाईलाइट किया, व्हाट इज दिस? जी जनाब, ये रेड लाइन क्या चीज है? हाँ कोई बता सकता है? सर, इसमें जो मैं समझ रहा हूँ, मुझे है कि जब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की, तो जी डेफिनेटली पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट मीन्स प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो किसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा जो होता है वो उसको हेड कर रहा होता है, और नीचे जी के रिलेटेड भी होते हैं, नॉन रिलेटेड होते हैं। अब पोर्टफोलियो सीईओ है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक सरबरा है, वो देख रहा है, उसके हाँ, नीचे डिफरेंट टीम है मेंबर्स हैं। सर कोई तो ये इसमें क्या होगा अगर मैं इसको कहूं ये पोर्टफोलियो होगा, ये प्रोग्राम होगा, प्रोजेक्ट होगा, ये जो हाँ जी मैंने है। वेरी पोर्टफोलियो है। गुड, एक्सेलेंट, ये पोर्टफोलियो है। अच्छा, अब मैं इसको देखूं, ये जो मैंने अब ब्लू किया, ये क्या होगा? सर ये इसका जो है ना, ये सर ये प्रोग्राम होगा। एक्सेलेंट, ये प्रोग्राम हो गया। सो ये प्रोग्राम है, और इसके नीचे ये जो है ये दो प्लांट एक्सपेक्शन और ये कूलिंग टावर रिप्लेसमेंट, ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये मैंने एक और रेड हाईलाइट किया, ये क्या होगा? ये भी सर ये भी प्रोग्राम वैसे होगा, प्रोग्राम ये भी है, ये भी प्रोग्राम सर होगा। प्रोग्राम है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। सो ये पोर्टफोलियो है, इसमें ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपके प्रोग्राम है। सो ये दो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और एक प्रोजेक्ट है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो, दीज आर प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स के नीचे आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। सो थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वॉन्टेड टू क्रिएट फॉर यू के पोर्टफोलियो क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है। सो इसका आइडिया हो गया आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, सो प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दैट आर मैनेज्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू गेट अ बेनिफिट नॉट अवेलेबल फ्रॉम मैनेजिंग देम इंडिविजुअली। हम उनको अगर इंडिविजुअली एक प्रोजेक्ट चल रहा है और वो सही जा रहा है, लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट अगर स्लो है, तो ओवरऑल मेरा प्रोग्राम जो है वो लेट हो जाएगा। सो ये हमने इसको एक प्रोजेक्ट लेवल पे भी मैनेज करना है जो प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा होगा, और एक प्रोग्राम लेवल पे भी मैनेज करना है वो एक प्रोग्राम मैनेजर कर रहा होगा, ताकि हम जो है हमारा जो गोल है प्रोजेक्ट का वो हम अचीव कर सके। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसे हमारी खाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, उसी तरह प्रोग्राम मैनेजमेंट एप्लीकेशन है नॉलेज को, स्किल्स और टूल्स एंड टेक्निक्स को इन ऑर्डर टू मीट के जो हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए होता है। और प्रोग्राम्स, पोर्टफोलियोज और प्रोजेक्ट्स, ये कहाँ से ड्राइव होते हैं? मैंने बताया था पहले आपको, ये ड्राइव कहाँ से होते हैं? स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी से। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट जी। तो पोर्टफोलियो इज ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स रिलेटेड, ये स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के लिए होते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो जनरली
हैंडल कर रहा होता है। देन वी हैव ऑपरेशंस, ये डे टू डे अफेयर्स होती हैं और ये हमने डे टू डे अफेयर्स, इनका मकसद होता है कि डे टू डे अफेयर्स को हमने मैनेज करना होता है। आउटकम ऑफ मोस्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा था, हैंडेड ओवर टू ऑपरेशंस होते हैं। दीज आर डिलीवरेबल्स फ्रॉम प्रोजेक्ट्स दैट आर ट्रांसफर्ड टू ऑपरेशनल स्टाफ। जब आपका ट्रांजिशन फेज होता है, जब आप प्रोजेक्ट्स ऑपरेशंस की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? कोई आइडिया है कि ट्रांजिशन फेज में हमने क्या करना है? सर, इसमें हम जो कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी भी एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, तो वहां पे एक नई प्रोडक्ट हमने डेवलप की है, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना एक प्रोजेक्ट है जो कि एक टीम कर रही होती है। जब वो डेवलप हो जाता है तो वो फिर हैंड ओवर करते हैं प्रोडक्शन के, जो ऑपरेशन के, जो उसकी रूटीन प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर ट्रांजिशन लेती है। तो ट्रांजिशन कैसे होनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए ट्रांजिशन, ताकि ये ट्रांजिशन का जो फेज है ये आसान? सर, इसमें जो है वो ट्रेनिंग देते दी जाती है उनको। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ट्रेनिंग, सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। कभी कभार ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट टीम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो कोई प्रोजेक्ट टीम का बंदा जो है वो जाके वो बैठ जाता है उनके साथ, ताकि उनको बेटर नॉलेज हो, कुछ दिन उनके साथ टाइम गुजारता है, ताकि ऑपरेशंस उन्होंने डेवलप किया होता है तो वो हैंड ओवर कर सके। देन सेशंस हैं, देन डॉक्यूमेंट्स हैं, देन क्वालिटी इनपुट्स हैं, ये सारी चीजें आपकी हो सकती है, ताकि ये ट्रांजिशन जो है वो चलती रहे। सो ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट्स जो हैं, इनके दरमियान एक किस्म का इंटरेक्शन होता है, नॉलेज ट्रांसफर होता है। अगर हम ट्रांजिशन को, नॉलेज ट्रांसफर, ट्रांसफर डिलीवरेबल को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो इट कैन एड अ लॉट ऑफ वैल्यू आपकी स्मूथ ट्रांजिशनिंग से आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जो है, जो एंड गोल है, उसको अचीव करने में आसानी रहती है। सो प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रोजेक्ट्स आर मीन्स ऑफ कोई भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव या स्टेटस को चैलेंज करने के लिए हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी को मीट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट किस्म की हो सकती है, डिमांड इन अ मार्केट फॉर अ सर्टन प्रोडक्ट हो सकती है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन हो सकती है, सोशल नीड हो सकती है, रिक्वेस्ट फ्रॉम कस्टमर हो सकती है। सो मुख्तलिफ चीजें हो सकती है कि हम प्रोजेक्ट्स करते हैं। अगर आप देखा जाए तो प्रोजेक्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट होते हैं। इनका, प्रोजेक्ट्स का मकसद इज वैल्यू क्रिएशन। अच्छा जी, वैल्यू क्रिएशन क्या चीज होती है? एनीबडी हैज एन आइडिया व्हाट वैल्यू क्रिएशन इज? सर, कुछ जो है, कुछ ना कुछ उसके अंदर एडिशन की जाए, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू दी जाए, बिजनेस वैल्यू दी जाए। ये टैंजिबल और इनटैंजिबल हो सकती है। टैंजिबल और इनटैंजिबल में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? सर, टैंजिबल मींस कि जो हम मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी, हम अगर उसमें पैसों की बात कर सकते हैं, टैंजिबल है उसकी सेटिस्फेक्शन है कस्टमर की, जो उसने सोचा था। अब जिस तरह हम बात करते हैं कि उसने फ्लेवर ऐड करवाया, तो जब वो टेस्ट करता कहता जी ठीक है, गुड है, हम जब वो इनटैंजिबल है, जिस क्वालिटी में हम उसको विदाउट मेजरमेंट तय कर देते हैं। सर, एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ। एक इश्तिहार चलते हैं रमजान के अंदर पेप्सी के। पेप्सी ने सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जुमरे में एक एक्सरसाइज की कि उन्होंने फ्री खाना बांटना शुरू किया, उसके एड्स रन करने शुरू किए। अब इस हर एक कंपनी का जो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी काम करते हैं, उसका मकसद उनकी एक, उसका टेंजिबल मकसद होता है, एक इंटेंजिबल मकसद होता है। टेंजिबल मकसद जल्दी होता है कि सेल्स इंक्रीज की जाए, नंबर उनका क्या आएगा, रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, और इनटेंजिबल नंबर होगा कि लोगों का परसेप्शन क्या है, कि ये लोग फलाई काम करते हैं, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी है। सो ये इनटेंजिबल वैल्यू है। हर बंदे का एक अपना अंदाजा होगा कि ये इसने अच्छा काम किया या नहीं किया, और सो एक इनटेंजिबल वैल्यू और एक आपकी टेंजिबल वैल्यू। सो मकसद प्रोजेक्ट्स का, पोर्टफोलियो का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन होते हैं। बिजनेस वैल्यू देनी होती है,
और जनरली ये हैंडओवर होते हैं ऑपरेशंस को, और फिर ऑपरेशंस में अगर कोई चेंज और लेके आना है, नया प्रोडक्ट लेके आना है, तो दोबारा एक स्ट्रेटेजी में चेंज आता है, फिर आप दोबारा से प्रोजेक्ट प्रोग्राम पोर्टफोलियो ये कर रहे होते हैं। सो ये कंटिन्यूस साइकिल है जो कि हमारा चल रहा होता है। प्रोजेक्ट साइकिल जनरली आपका 4 स्टेजेस में होता है, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। आपकी एक इनिशिएशन स्टेज है, एक प्लानिंग स्टेज है, एक एक्सिक्यूशन है और क्लोजिंग है, और कॉन्स्टेंटली इसके इर्द गिर्द आप मॉनिटर मॉनिटरिंग और कंट्रोल जो है वो कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब इन मोटे मोटे चीजों में, इनिशिएशन में, प्लानिंग में, एक्सिक्यूशन में, क्लोजिंग में क्या हो रहा होता है, कौन एक्सप्लेन करेगा जी? हु विल एक्सप्लेन कि जी इन मोटी मोटी जगहों पे, इनिशिएशन में, प्लानिंग में, एक्सिक्यूशन में, क्लोजिंग में क्या चीज हो रही होती है? सर, इसमें इनिशिएटिंग के अंदर हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए उसकी कोई एक हमारा ऑब्जेक्टिव मतलब मीन इसमें एक प्रॉब्लम होगी या अपॉर्चुनिटी होगी जिसको हम बात करते हैं, फिर उसका एक गोल डिफाइन किया जाता है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये हम मीन से कहते हैं कि प्री प्रपोजल होता है, इस स्टेज के अंदर हम उसकी वर्किंग कर रहे होते हैं कि हम करना क्या जा रहे हैं। तो जब वेरी नेक्स्ट प्लानिंग की आती है तो हम उसको अचीव करने के लिए जो हमारे प्लान्स होते हैं उसके हम तो उसमें टाइम सेट करते हैं, फिर उसमें हम जो है वेरी गुड हमारे जो सबसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है सारा कुछ को मैनेज उसका प्लान कर रहे होते हैं। फिर ठीक है एग्जीक्यूशन है, जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं फिर हम उसको एग्जीक्यूट ओरिजिनल में कर रहे होते हैं, हम उसको मीन्स के फिजिकली उसका वर्क स्टार्ट करते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, साथ ही हम उसी कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं, साथ मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। एंड पे जाके जब वो फिजिकल कंप्लीट हो जाता है फिर वो क्लोजिंग स्टेज आती है। क्लोजिंग बेसिकली होती है कि हमारा एक्चुअल काम खत्म हो जाता है किसी प्रोजेक्ट का, लेकिन उसके बाद जो कुछ चीजें होती हैं जो हम फॉर एग्जाम्पल हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, किसी को हमने कोई रोड बन रहा है तो जब रोड बन जाएगा तो रोड क्लोज हो गया, मीन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर हम वो चीजें उठा रहे होते हैं कुछ मतलब सामान वगैरह या बजट वगैरह, तो ये क्लोजिंग की टर्म में आती है। तो ये 4 चीजें होती हैं। ठीक है जी। सो इनिशिएशन होती है स्टार्टिंग फेज ऑफ अ प्रोजेक्ट, स्टार्ट द वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग फॉर द वर्क दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डन, एंड देन देयर इज एक्सिक्यूशन द प्रोजेक्ट वर्क एज पर द प्लान, और आखिर में आपकी क्लोजिंग हो रही होती है। ठीक है। सो इनिशिएशन में व्हाट वी आर डूइंग इज स्टार्टिंग फेज ऑफ अ प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे होते हैं वर्क को ऑन अ प्रोजेक्ट। इसमें प्री प्लान, बिजनेस प्लान्स, ये सारी चीजें आप बना रहे होते हैं। उसके अलावा देन देयर इज काइंड ऑफ प्लानिंग, सो इसमें आप अपना प्रोजेक्ट प्लान को डेवलप कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट प्लान को। इनिशिएशन में आपका एक किस्म का बिजनेस प्लान बन रहा होता है, बिजनेस प्लान की चीजें कर रहे होते हैं। उसके अंदर फिर हम एक प्रोजेक्ट ऊपर स्टार्ट कर रहे होते हैं, गो अहेड मिलता है तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। इधर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमारा बनता है हम उसको क्या कहते हैं, अपना चार्टर कहते हैं। सो प्रोजेक्ट चार्टर आपका बन रहा होता है। प्लानिंग स्टेज के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप बना रहे होते हो वो आपका माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट होता है। सो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आप प्लानिंग स्टेज में कर रहे होते हो। देन एक्सिक्यूशन इज द वर्क दैट इज बींग कैरिड आउट एज पर द प्लान, एंड देन देर इज क्लोजिंग जो कि एक्सेप्टिंग द डिलीवरेबल्स एंड यू आर क्लोजिंग द प्रोजेक्ट। सो एक्सिक्यूशन में आप जो अपने प्लान बनाया होता है उसके मुताबिक एक्सिक्यूट कर रहे होते हैं, और क्लोजिंग में आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर्मल एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें आपकी क्लोज हो रही होती है। सो इनिशिएशन में यू आर स्टार्टिंग फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, प्लानिंग में यू आर प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट प्लान, एक्सिक्यूशन में एक्सिक्यूशन हो रही होती है, और क्लोजिंग में जो है आप अपना जो भी आपके डिलीवरेबल्स होते हैं क्वालिटी चेक्स कर रहे होते हैं और कस्टमर को कर रहे होते हैं, और कस्टमर फॉर्मल एक्सेप्टेंस दे रहा होता है कि ये डिलीवरेबल है, क्लोज हो गया। जब भी आप प्लान बनाते हैं तो आप उसको बेसलाइन करते हैं, उस प्लान के अगेंस्ट आप मेजर करते हैं आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। सो वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आता है। ठीक है। सो यू हैव इनिशिएशन, देन
देन यू हैव प्लानिंग, देन यू हैव एक्सिक्यूशन एंड देन यू हैव क्लोजिंग। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका पूरा प्रोसेस है जो कि आपका चल रहा होता है। अच्छा जी, इस पे कहीं कंफ्यूजन या कोई और पॉइंट? सर एज पर जी जनाब, आवाज आपकी कट रही है बीच में। जो BMI है वो सर 5 स्टेजेस नहीं शुरू दिया हुआ है सर जी, इसमें 5 जो BMI में वो BMBOK में जो दिया हुआ है। जी जी, मैं यही अर्ज कर रहा था, मैंने इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये हैं 5 स्टेजेस ही। पहली आपकी इनिशिएशन है, फिर प्लानिंग है, एक्सिक्यूशन और क्लोजिंग, और मैं ये कह रहा था कि ओवरऑल आपकी फिर मॉनिटरिंग एंड क्लोज चल रही होती है। ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है जिसकी अभी हम बात करें, जो वैसे है वो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस है। ओवरऑल वैसे प्रोजेक्ट की जो है वो 5 स्टेजेस होती है, जिसमें इनिशिएशन है, प्लानिंग है, एक्सिक्यूशन और क्लोजिंग है। और मैंने आपको वर्बली बताया था कि एक मॉनिटरिंग कंट्रोल हम जो है इसके अगेंस्ट चल रहे हो। सो मॉनिटरिंग कंट्रोल, आपने प्लानिंग अगर की, आपकी प्लानिंग अगर हो रही है तो प्लानिंग के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम जो है प्लानिंग के अंदर हमने कोई प्रोजेक्ट को बेसलाइन कर दिया, तो हम उसके अगेंस्ट मॉनिटरिंग कंट्रोल जो है वो कर रहे होते हैं। सो अगर ये मॉनिटरिंग कंट्रोल इसके अगेंस्ट जो है वो चल रही होती, सो यू स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर, प्रोजेक्ट प्लान बनता है, पहले आपका प्रोजेक्ट चार्टर बनता है, एक्सिक्यूशन होती है जहां एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स और क्लोज होते हैं, आर्काइव प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो ये पूरा एक आपका साइकिल है जो कि आपका चल रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर किस जगह पे टाइम स्पेंड कर रहा होता है? जी जनाब, एग्जीक्यूशन, एक्सिक्यूशन में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर इज स्पेंडिंग टाइम इन एक्सिक्यूशन। ठीक है, अच्छा, सो यू हैव स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यू ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर, देन द प्लानिंग, देन यू हैव एक्सिक्यूशन एंड देन यू हैव क्लोजिंग द प्रोजेक्ट। सो सबसे ज्यादा टाइम जो है वो एक्सिक्यूशन में स्पेंड कर रहा होता। दूसरा मेरा सवाल ये है कि कॉस्टिंग और स्टाफिंग लेवल ये सबसे ज्यादा किधर होता है, यानी कि ये हाई कब होगा हमारा, सबसे ज्यादा स्टाफ लेवल कब होगा, स्टाफ कहाँ रिक्वायर होगा? जी क्वेश्चन में मिडिल में। ओके, सो ये भी एक्सिक्यूशन में होगा। ठीक है, और इसमें स्टार्टिंग लेवल ये आपका ये भी एक्सिक्यूशन में होगा और कॉस्टिंग भी सबसे ज्यादा हाई एक्सिक्यूशन में होगी। अगर कोई चेंज शुरू में आता है तो वो इम्प्लीमेंट करना आसान होगा, या आखिर में आएगा तो वो इम्प्लीमेंट करना आसान होगा? स्टार्ट में, स्टार्ट में, अगर स्टार्ट में होगा तो अपने प्रोजेक्ट को मोड कर सकेंगे, चेंज कर सकेंगे, अगर आखिर में आएगा तो वो आप अपने प्रोजेक्ट को चेंज नहीं कर सकेंगे। इसके अगेंस्ट जब आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जिस तरह आपने जिक्र किया, ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है और ओवरऑल 5 आपके प्रोसेस ग्रुप्स हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और एक्सिक्यूशन और क्लोजिंग। सो मॉनिटरिंग कंट्रोल इसके अगेंस्ट ऑल द टाइम जो है वो चलती रहती। ठीक है जी, सो हम यहाँ पे चार्टर करते हैं। चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है जहां ऑथराइजेशन मिलती है, प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन होता है, then you have project plan यहाँ पे बनता है, यहाँ पे deliverables होती हैं, and then you have archive project documents। project के phases होते हैं, project एक phase खत्म होता है तो दूसरा start होता है, एक phase खत्म होता है तो हम उसको stage gate, milestone, phase review, phase gate और kill point कहते हैं। so we have process groups जिसमें हमारे पास initiation है, planning है, monitoring and control हो रही है,
एक्सिक्यूशन क्लोजिंग हर एक फेज के अंदर आपके ये सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं, इनिशिएशन भी हो रही होती है, प्लानिंग भी हो रही होती है, एक्सिक्यूशन भी हो रही होती है, क्लोजिंग भी हो रही होती है और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है। सो एक फेज अगर आपका फ्रंट एंड डिजाइन है तो उसमें ये सारी चीजें हो रही होंगी।